हेलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल क्लासेस पे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑफ अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ठीक है है इसके पहले हमने पढ़ा था रैंक अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो जाके देख लीजिएगा मैं एक फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सीरीज बनाने वाला हूँ ठीक है तो आप कंप्लीट वीडियो देखते रहिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो आपको मिल जाए ठीक है ये बेसिकली रविशंकर यूनिवर्सिटी और दुर्ग यूनिवर्सिटी से के सिलेबस से ही सिमिलर रहेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो चलिए देख लेते हैं आज क्या कंटेंट है हमारे पास में देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आवयू का प्रसामान्य रूप आव्यू का प्रसामान्य रूप यह हमारा लेक्चर नंबर थ्री है यूनिट वन का लेक्चर नंबर थ्री है ठीक है जिसका टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि रूप क्या होता है किस प्रकार के होते हैं ठीक है तो रूप मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं जैसे बेसिकली चार प्रकार के होते हैं जैसे कि यहां पे देख लो आई आर जीरो जीरो अगर इस टाइप का कोई भी मैट्रिक्स हमें मिलता है तो उसे हम प्रसमान्य रूप में कहते हैं या फिर नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं इसको जैसे कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं वन जीरो जीरो वन कि आई हो गया फिर इधर भी जीरो मैट्रिक्स यहां भी जीरो मैट्रिक्स और यहां पे भी जीरो मैट्रिक्स तो ये इस प्रकार से इस टाइप का एक प्रसामान्य रूप हो गया अगर किसी और नॉर्मल फॉर्म की बात करें फिर प्रसामान्य रूप की बात करें तो जैसे 1, 0, 0, 1 हो गया और यहाँ पे अगर जीरो मैट्रिक्स मिल गया कोई भी तो ये एक अलग हो गया यहाँ पे आई मिल गया और ये हमारे पास में जीरो मैट्रिक्स मिल गया ये वाला नॉर्मल फॉर्म हो गया इसके लिए देख लें तो इसके लिए थ्री क्रॉस टू बन जाएगा वन जीरो जीरो वन और जीरो जीरो यहां से अलग कह लग कहते तो आई हो गया और ये वाला जीरो मैट्रिक्स हो गया ठीक है आई आर जीरो मैट्रिक्स और ये तो नॉर्मल सा आई है वो भी एक हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म ही होगा ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है वो भी एक नॉर्मल फॉर्म है तो हमें क्या कहना है नॉर्मल फॉर्म में लाना है अगर कोई मैट्रिक्स में मिलता है तो उसे नॉर्मल फॉर्म में पहला लाना है उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो एक प्रमेय देख लीजिए कोई प्रमेय हमारे पास में है अगर आर और सी दोनों क्या है व्युत है ठीक है दोनों व्यक्तक्रमणी है तो ऐसे एक मैट्रिक्स का हम एक्मसन कह सकते हैं अस्तित्व हो सकता है ऐसा एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकता है जो कि नॉर्मल फॉर्म में हो और वो किसके इक्वल हो आर ए सी के इक्वल हो जहां आर एक मैट्रिक्स है सी एक मैट्रिक्स है और ए भी एक मैट्रिक्स है अब यहाँ पे देखो आर जो है अगर ये एम क्रॉस एन ऑर्डर का बनता है तो आर का ऑर्डर क्या होगा आर जो है एम ऑर्डर का होगा सी जो है एन ऑर्डर का होगा ठीक है दोनों इक्वल तो रहने चाहिए ना ताकि उनका मल्टीप्लीकेशन करने पर और ए जो है एम क्रॉस एन ऑर्डर का होगा ठीक है मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या मिले इसके ऑर्डर के इक्वल मिले क्योंकि मैट्रिक्स तो के लिए ऑर्डर सेम रहने चाहिए ठीक है तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास में है कि कोई दो विक्रमणी अवयु है मैंने कहा था पी और क्यू क्या है दो विक्रमणी अवयु हैं जो इस प्रकार हो कि पी ए क्यू प्लस सामान्य रूप में है अब हमारे पास ए तो दे दिया है लेकिन पी ए क्यू नहीं दिया है पी ए क्यू हमें निकालना है कैसे निकालना है प्रश्न रूप निकालना है और जहां से P और Q का मान हम निकालेंगे यहां से ठीक है P और Q ज्ञात करना है यहाँ पे तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम मान लेते हैं कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस थ्री का ठीक है और एक क्या है थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है अब हमें इसे जैसे कि हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फीस मिल जाता है वही तो वही बात है ठीक तो है, कि A जो है, 3 3 matrix, का है जहां आई थ्री क्या तत्समकारी आव्यूह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, है अब देखिए यहां जो ए दिया हुआ था उस ए को हम एज इट इज लिख दिए यहां पे क्लियर उसके बाद में ये I3 को यहां पे लिखे और ये वाला I3 को भी यहाँ पे लिखे लेकिन यहाँ पे जो है उसको एज इट इज ए ही लिखना है ठीक है ये हमारे सॉल्व करने का मेथड है हमें ऐसे ही सॉल्व करना है फिलहाल तो तो देखिए अब यहाँ पे दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, अब इसमें ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे तो देखो जब भी हमें क्या करना है इसको तो आई बनाना है या फिर नॉर्मल फॉर्म मिलाना है कोई भी नॉर्मल फॉर्म मिलाना है या फिर आई भी एक नॉर्मल फॉर्म है आई मिला दिए या फिर कोई भी एक नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो यहां से पी और ये क्यू निकल जाएगा हमें इसको पी लाना है ये तो बीच में है ये क्यू हो जाएगा ठीक है तो देखिए इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम कोई ऑपरेशन लगाना पड़े हम कोई ऑपरेशन लगाएंगे जैसे इसको वन करेंगे फिर इन दोनों को जीरो करेंगे फिर ये तो वन है और इन दोनों को जीरो करेंगे

जब जैसे यहाँ पे दो और रो के लिए अप्लाई कर दिए जैसे ये हो गया ये वन है इन दोनों को जीरो करना है तो आर टू माइनस आर वन कह दिए तो ये जीरो हो जाएगा ठीक है और ये तो ऑलरेडी जीरो है तो उसको जीरो नहीं करने पड़ेगा अब उसके बाद में अब इन दोनों को हमें जीरो करना है ठीक है इन दोनों को जीरो करने के लिए कॉलम वाला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा ना तो जब भी कॉलम वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वाला जो है मैट्रिक्स ऑपरेट होगा मतलब ये वाला मैट्रिक्स जो है चेंज होगा और ये वाला मैट्रिक्स जो है चेंज नहीं होगा ठीक है ध्यान रखना है रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हम इस वाले मैट्रिक्स चेंज करेंगे और जब भी कॉलम वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वाला मैट्रिक्स चेंज होगा ठीक है ओके ये कॉलम के लिए, लिए। इसलिए पहले जो डेफिनेशन में लिखा हुआ था उसमें आर ए सी इसीलिए लिखा था ठीक है पहले वाले में दो वाला ऑपरेशन लगाना है और जो सेकंड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें कॉलम वाला ऑपरेशन लगाना है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें कहना है इसको वन लाना था वन तो पहले से ही ऑलरेडी है वन है यहाँ पे अब क्या करेंगे इन दोनों को जीरो करना है हम लोग को संक्रय लगाएंगे तो ये तो ऑलरेडी जीरो है तो इसको कुछ नहीं कहना है आपको सिर्फ इसको जीरो कहना है इसको जीरो करने के लिए हम क्या कह सकते हैं आर टू कह देंगे ठीक है आर को हम चेंज करेंगे आर टू चेंजिंग टू आर टू माइनस हो जाएगा आर टू माइनस जब होगा तो हम क्या कर रहे हैं आर वन को माइनस कर रहे हैं आर टू में तो वन माइनस वन ठीक है इसमें से करेंगे तो टू माइनस वन और इसमें से करेंगे तो टू तो क्या मिला जीरो तो जीरो हो गया ये वन आ गया और ये वाला वन आ गया देखिए क्या आता है ठीक है यहाँ पे आया जीरो वन एंड वन अब क्या किए रो वाले लगाए हैं ऑपरेशन तो यहां पर लगाना पड़ेगा हम लोग को तो ये हो जाएगा जीरो माइनस वन ये वन माइनस जीरो और ये जीरो माइनस जीरो ये तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि जीरो से माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा जीरो माइनस वन करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा बस और कुछ चेंज नहीं होगा बस यहाँ पे माइनस आ गया बाकी जितना भी एंट्री था वो सब एज इट इज रहेंगे ठीक है अब देखिए अब क्या करेंगे इसको फिर वन लाना था वन है अब इन दोनों को हम जीरो करेंगे इन दोनों को हमें जीरो करना है तो देखिए कैसे करेंगे इसके लिए तो नॉर्मल सा सी टू माइनस सी वन कह दिए तो ये जीरो हो जाएगा ठीक है सी टू माइनस सी वन कह दिए ये आ गया वन माइनस वन वन माइनस जीरो और माइनस वन माइनस जीरो इसमें भी वैसे ही इसमें टू का मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करना पड़ेगा माइनस टू हो जाएगा वन माइनस जीरो हो जाएगा वन माइनस जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया बाकी तो कुछ चेंज नहीं होंगे ठीक है ये दोनों बस जीरो हो गए और बाकी चेंज नहीं हुआ उसके बाद में देखो यहाँ पे कॉलम का ऑपरेशन लगाए थे तो यहाँ पे कॉलम चेंज होगा मतलब कि इसमें टू वन का मल्टीप्लाई करके माइनस किए थे तो ये वाला जो कॉलम है वो क्या हो गया माइनस वन आ जाएगा सभी जगह पे देखो जैसे कि यहाँ पे माइनस वन आ गया ये वन माइनस जीरो जीरो माइनस जीरो पे माइनस वन आ गया ठीक है देखो यहां पे आ गया उसके बाद में वहां पे जीरो माइनस टू हो जाएगा ठीक है क्योंकि टू को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते यहाँ पे जीरो माइनस टू हो गया तो बाकी जितने भी एंट्री थे वो एज इट इज है जैसे पहले थे ठीक है अब देखिए अब क्या करेंगे इसको हम वन लाएंगे तो वन पहले से ही है अब इसको हम जीरो कर लेते हैं जीरो करने के लिए बस इन दोनों को अगर एड करेंगे करे तो वन माइनस वन ऑलरेडी जीरो हो जाएगा ठीक है तो 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 हम हैं चेंजिंग टू हमें तो R3 R2, दोनों को कर दिए तो देखो अगर एड कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस वन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी प्लस वन आ गया ठीक है ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो जाएगा दोनों साथ में जीरो हो गए तो दोनों यहाँ पे जीरो मिले ठीक है अब देखो रो वाली संक्रिया लगा रहे हैं ऑपरेशन दो लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी सेम वैसे होगा इन दो इसको एड करेंगे तो जीरो माइनस वन माँग, जीदो माँग, जीदो माँग हो गया जीरो प्लस वन हो गया और वन प्लस जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या आया माइनस वन आ गया यहाँ पे प्लस वन आ गया और ये जो है एज इट इज वन ही रहेगा क्योंकि वन में जीरो एड करने से उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है और बाकी जो इसकी एंट्री है उसमें कोई चेंजेस होगा ही नहीं क्योंकि हम रोवाली संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं याद रखना इस चीज को जब भी संक्रिया अप्लाई करेंगे ये 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 चेंज चेंज होगा होगा नहीं तो तो देखो अब अब क्या करेंगे तो ये ये जीरो हो गया यहां से अब इसको हम जीरो लाएंगे ठीक है इस वाले एंट्री को जीरो करेंगे इसको कर, जीरो करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा दोनों को माइनस कर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो सी थ्री चेंज करना सी थ्री माइनस सी टू तो देखो यहाँ पे जीरो माइनस जीरो हो जाएगा वन माइनस वन हो जाएगा जीरो माइनस जीरो टोटल जीरो हो गया ठीक है ये वाली लाइन टोटल जीरो हो गई और इसमें कॉलम वाला संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहां से देखो कॉलम वाला संक्रिया अप्लाई कर रहे हैं इसमें तो सी सी थ्री माइनस सी टू की है तो सी थ्री क्या है ये सी थ्री हमारे पास में ये सी तो टू है सी थ्री माइनस सी टू की माइनस टू ये प्लस वन हो गया जीरो माइनस वन हो गया और वन माइनस जीरो हो गया यहाँ पे क्या मिला माइनस वन मिला यहाँ पे क्या मिला माइनस वन मिला और यहाँ पे वन मिला तो माइनस वन माइनस वन वन तो देखिए यहाँ पे देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये नॉर्मल फॉर्म में अब आ चुका है ठीक है ये I हो गया I2 हो गया ये जीरो मैट्रिक्स हो गया जीरो मैट्रिक्स हो गया जीरो मैट्रिक्स हो गया ये हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है ठीक है यहाँ पे जो वैल्यू मिला पी है पी का मान ज्ञात कर चुके हैं और ये वाला जो है Q है यही हमें निकालना था और दोनों जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं दोनों को आप कैलकुलेट करके देख सकते हो तो देखो यहां पे आई टू जीरो 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 और यहां पे पीए क्यू आया जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स था वो पी है सेकेंड वाला मैट्रिक्स जो है क्यू है और ये जो मैट्रिक्स मिला वो नॉर्मल फॉर्म में मिला ठीक है जिसका ऑर्डर टू मिला या फिर ऑर्डर इसका टू मिला जिसका रैंक टू हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे P यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाए Q मिल चुका है ठीक है एक मिनट तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद है आवयु को प्रसामान्य रूप में परिवर्तित कीजिए ठीक है प्रसमान्य रूप में लाना है कोई भी एक फॉर्म में लाना है जैसे I जीरो 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 हो गया ऐसा ला दिए या फिर I जीरो हो गया इस फॉर्म में ला दिए या फिर I जीरो हो गया इस फॉर्म में ला दिए या फिर सिर्फ I आ गया चलेगा ठीक है तो कोई भी एक नॉर्मल फॉर्म में हमें इस मैट्रिक्स को चेंज करना है और उसके बाद में जो मैट्रिक्स है उसकी जाति ज्ञात करनी है रैंक ज्ञात करनी है रैंक क्या होता है जितने भी नॉन जीरो रो होंगे जितने भी नॉन जीरो रो होंगे उसका ठीक है जितने भी नॉन जीरो दो होंगे इसमें सॉल्व करने के बाद में जितने भी नॉन जीरो दो मिलेंगे वही उसका रैंक कहलाता है ठीक है तो दिया गया है अब हम क्या करेंगे यहां पे वन लाएंगे ठीक है हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसको वन लाना पड़ेगा उसके बाद में इन तीनों को जीरो करेंगे उसके बाद इन तीनों को जीरो करना है हम लोग को ठीक है तो पहले देखते हैं नीचे को जीरो करने के लिए सबसे पहले इसको इंटरचेंज कर लेते हैं तो ये वाला जो रो है उसको इसमें ला लिए रो वन और रो टू को हम इंटरचेंज कर देते हैं ठीक है तो रो टू की जो वैल्यू है दो का जो ठीक है उसको फर्स्ट वन, लिखे तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे संक्रिया संक्रिया लगाते हैं हम यहाँ पे आर वही जो संक्रिया लगाए हैं तो आर टू माइनस आर टू इंट, इंटरचेंज टू आर वन हो गया के प्रयोग से लिख लीजिएगा इसको इस संक्रिया के प्रयोग से तो देखिए इसके बाद क्या आता है संक्रिया हमारे पास में अब क्या लगाएंगे अब हम इसको वन लाने के बाद जीरो करना पड़ेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है अब सिर्फ इसको और इसको जीरो करेंगे तो संक्रिया कौन कौन सी लगेगी आर थ्री चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे थ्री है आर थ्री ये वाला है और ये आर फोर है ठीक है ये आर थ्री और ये आर फोर है आर थ्री को हम चेंज करेंगे चेंजिंग चेंजिंग टू टू हो हो जाएगा और R4 R4 R1 हो जाएगा और इस क्योंकि यहाँ पे तो वन है तो सिर्फ माइनस कर देंगे तो फिर हो जाएगा और यहाँ पे थ्री का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना पड़ेगा तब वो जीरो होगा ठीक है तो देखिए क्या क्या वैल्यू मिलता है हमें यहाँ पे थ्री माइनस थ्री हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे जीरो है यहाँ पे तो वन माइनस जीरो मिलेगा यहाँ पे वन है जीरो माइनस थ्री मिलेगा और यहां पे वन है तो टू माइनस थ्री मिलेगा तो क्या टू जीरो मतलब की जीरो माइनस वन मिला, तो मिला. फोर्थ लेते हैं 1 -1 आ जाएगा यहां पे जीरो हो गया वन माइनस जीरो माइनस टू माइनस वन मिला और यहाँ पे जीरो माइनस वन मिला तो देखो ये तो जीरो हो गया ठीक है ये जीरो मिल गया हम लोग को ये वन मिला ये माइनस थ्री मिला और ये माइनस वन मिला सेम वैल्यू यहाँ पे मिला है जीरो वन माइनस थ्री माइनस वन ठीक है जीरो वन माइनस थ्री माइनस वन ओके तो देखिए दो रोज हमें मिल चुके हैं अब क्या करना है ये वन है तो अब इन दोनों को हम जीरो करेंगे ये तो डायरेक्ट सीधो हो जाएगा सी थ्री माइनस सी वन कर दिए ठीक है सी थ्री हो गया उसके बाद सी फोर माइनस सी वन कर दिया सी फोर गया। क्योंकि इसमें तो जीरो है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे बाकी जगह पे ठीक है अब देखिए अब क्या करेंगे इसको इन तीनों को इन दोनों को जीरो करना है हम लोग को इन दोनों को जीरो करने के लिए माइनस कर दिए सी थ्री माइनस आर थ्री माइनस आर टू और आर फोर माइनस आर टू करेंगे ठीक है माइनस वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन पूरा जीरो हो गया वन माइनस वन माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन पूरा का पूरा टोटल जीरो हो जाएगा ये दोनों दो जीरो हो चुके हैं अब क्या करेंगे इसको लाने के बाद इन दोनों को जीरो करना है फिर दोनों को इसमें थ्री का मल्टीप्लाई करके इसमें एड कर दिए जीरो वन का मल्टीप्लाई करके इसमें एड कर दिए जीरो हो गया ठीक है तो टोटल यहाँ पे जीरो हो चुके हैं तो ऑर्डर टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला ठीक है और बाकी जो है जीरो जीरो मैट्रिक्स मिला ये आई हो गया आई टू का हो गया ये जीरो मैट्रिक्स मिला ये जीरो मैट्रिक्स मिला ये जीरो मैट्रिक्स मिला तो एक नॉर्मल फॉर्म में अब आ चुका है अब ये देखना है इसका रैंक निकालने के लिए कितने नॉन जीरो रो है तो देखो ये नॉन जीरो रो है यहां पे वन दिख रहा है यहां पे नॉन जीरो रो है तो दो नॉन जीरो रो है इसलिए इसका रैंक क्या हो गया टू हो गया ठीक है एक नलिटी होती है शून्यता होती है ठीक है तो ए की शून्यता की बात भी कर लेते हैं ए की शून्यता नलिटी ऑफ ठीक है इंग्लिश में नलिटी कहते हैं नलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर देख लेते हैं ऑर्डर इसका 4 है तो 4 हो जाएगा माइनस रैंक ऑफ ए ए का रैंक क्या है टू है तो 4 2 2. या फिर ऐसा कह दें शून्यता से ही समझ में आ जाता है कितने शून्य होंगे मतलब कितने जीरो मैट्रिक्स हैं देखो यहाँ पे एक जीरो मैट्रिक्स हो गया और दूसरा जीरो मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे दो जीरो मैट्रिक्स हैं तो इसका इसकी जो नलिटी होगी वो टू होगी ठीक है जितने जीरो मैट्रिक्स मिलेंगे वही उसकी नलिटी कहलाती है इसकी जीरो मैट्रिक्स टू है इसलिए इसकी क्या हो गई? हो गई चुकी है क्लियर ठीक है अब देखिए आगे बढ़ते हैं और हमारे लास्ट क्वेश्चन है ये क्योंकि दो एग्जाम्पल से आपको समझ में जाना चाहिए क्या आप है करके देखिए इसमें निम्नलिखित आवयू को प्रश्न बदलना है इसकी जाति याद करनी है हम लोग को ठीक है तो ए दिया हुआ है हमारे पास में वन टू जीरो माइनस वन थ्री फोर वन टू माइनस टू थ्री टू फाइव क्या हो गया ठीक है तो अब देखिए हम पहले क्या कहते हैं इसको वन हैं जीरो हैं अब संक्रिया आप लोग सीख चुके हो तो मैं डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दिया हूं तो इसको इंसार देख देख आंसर लीजिए क्या है हमारे पास में माइनस वन और ये दोनों जीरो हो चुके हैं और संक्रिया लगाने पर यहाँ पे जो वैल्यू मिले उसको लिखना है ठीक है सेम वैसे यहाँ भी संक्रिया लगाएंगे यहाँ पे जो वैल्यू मिला उसको लिख दिए उसके बाद में अब क्या करेंगे ये वन आ चुका है इन तीनों को जीरो करना है हम लोग को इसमें कोई दिक्कत होता ही नहीं है बाकी तो चेंज नहीं होते हैं सिर्फ क्या चेंज होगा

तो अब देखिए अब क्या करेंगे ये वन आ चुका है अब इसको हम जीरो लाएंगे जीरो लाने के लिए संक्रिय लगा दिए माइनस टू आर टू हो गया और अब इन दोनों को जीरो लाएंगे ठीक है अब ये वन आ चुका है तो इन दोनों को हम जीरो संक्रिय लगा दिए सी थ्री प्लस सी टू हो गया एक संक्रिय यहां पे छूट गया है सी थ्री इज चेंजिंग टू सी थ्री माइनस फाइव सी टू हो गया ठीक है ठीक है ये दोनों जीरो आ चुके हैं यहाँ पे अब क्या देखना है हम लोग को

मैट्रिक्स आ चुका है एक नॉर्मल फॉर्म में आई और यहां से जीरो मैट्रिक्स ठीक है नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है इसकी जाति क्या होगी देखो इसमें जितने नॉन जीरो हैं ये वन नॉन जीरो दो हो गया क्योंकि इसमें वन है एक वन यहां पे भी है और एक वन यहां पे भी है तो देखो तीन इसमें नॉन जीरो है इसकी जाति क्या होगी इसका रैंक क्या होगा थ्री होगा ठीक है ओके तो अब क्या देखना है हम लोग को इसकी नलिटी क्या होगी नलिटी इसकी जीरो होगी नलिटी इसकी जीरो क्योंकि शून्यता एक भी नहीं एक भी जीरो तो नहीं है इसकी जीरो हो चुकी है आगे देखिए अच्छा नलिटी अभी इसमें समझाया गया है तो आगे देख लेते हैं और शून्यता तो मैंने बता चुका है आपको ये जो क्वेश्चन है मैं पहले बना चुका हूं बस इसमें रैंक और नलिटी दोनों याद करना था दो, दोनों निकाल के बता चुका हूं आपको तो ये पहले सॉल्व हो चुका है और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन जो है निम्नलिखित आवयु को प्रश्न सामान्य रूप में बदलिए

वन है तो इसमें वन का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिए तो ये सभी जीरो हो जाएंगे तो सेम वैसे इसमें भी का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस एट आ जाएगा यहाँ पे वन माइनस ट्वेल्व हो जाएगा तो ठीक है अब इसको निकाल सकते हो बहुत बार इसको कैलकुलेट कर चुके हैं इसके बाद देखिए हम क्या किए इन दोनों को जीरो ला दिए अब इसको वन मान के इन तीनों को जीरो लाएंगे तो वन आ चुका था तो इन तीनों को जीरो कर दिए संक्रिय लगा के इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे सेवन है माइनस सेवन है तो माइनस वन बाई सेवन से इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं देनस वन बाई सेवन से कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों वन आ चुके हैं देखो दोनों वन आ गए अब इसको वन मान के इन दोनों को जीरो लाना है तो ये पहले से जीरो है तो बस संक्रिया एक लगाना पड़ेगा आर थ्री माइनस तो आर टू ये तो बनाने के बाद ये दोनों जीरो आ चुके हैं अभी इन दोनों को जीरो करने के लिए संख्या लगा देंगे इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें कर इलेवन का मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे तो प्लस इलेवन और माइनस इलेवन जीरो हो 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 जाएगा जाएगा और ये जीरो जीरो दोनों गए अब क्या करेंगे देखिए इसके बाद में हम इसको वन और माइनस टू लाने के लिए क्या कर सकते हैं इसको वन लाना पड़ेगा हम लोग को तो माइनस टू से या फिर माइनस वन बाई टू से आर थ्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा वन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस टू आ जाएगा ठीक है तो देखिए आगे ये वन आ गया और ये माइनस टू हो गया माइनस वन बाई टू से कॉलम नंबर थ्री को अच्छा यहाँ पे कॉलम होगा ये रो थ्री होगा ठीक है लिखने में मिस्टेक हो गया होगा तो रो थ्री होगा ये वन माइनस टू आ जाएगा अब रो फोर को हमें जीरो कहना है इसको जीरो कहना पड़ेगा तो रो फोर माइनस रो हो जाएगा कि प्रयोग से तो यहाँ पे सेम सेम वैल्यू है माइनस बस ये माइनस हो गया ये प्लस टू आ गया ये भी सीधो हो गया ये भी सीधा हो गया दोनों सीधे हो गए अब इसको लाना था अब इसको जीरो करना पड़ेगा हम लोग को तो बस इसमें मिट्टू को मल्टीप्लाई करके इसमें कर दिए तो जीरो हो जाएगा ये भी हो गया अब क्या करेंगे अब कुछ नहीं करना रहे हम लोग को ये आई आ चुका है आई थ्री आ गया यहां से देखो यहाँ पे और ये जीरो मैट्रिक्स मिला हमें यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है यहां पर मैट्रिक्स मिला कैसे मिला आई थ्री ओ ओ और यहाँ पे भी ओ ये हमारे पास में एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है ठीक है नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है और यहाँ पे कितने नॉन जीरो रो हैं? ये वन टू और ये थ्री थ्री नॉन जीरो रो हैं तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी थ्री हो जाएगी कि ए की शून्यता जो है वन हो जाएगी क्लियर है तो अब देखिए यहां से हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कोई भी डाउट है आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू